The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Piles या hemorrhoids सूजन है आपके लैट्रिन के रास्ते में, आपके जो एनस है, एनस के अंदर प्रेजेंट जो खून की नसें हैं, जो वेन्स हैं वहाँ पे, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, वहाँ सूजन हो सकती है, इन्फ्लामेशन इसको कहेंगे, जो एनस के आसपास, रेक्टम के आसपास, लोअर रेक्टम में, वहाँ पर. सो ये एक सूजन है, उसको वो एनस के अंदर भी हो सकती है, अंदर एनस है, एनस के अंदर और एनस के बाहर वाली स्किन में, चमड़ी में भी हो सकती है, अंडर द स्किन अराउंड द एनस, वो भी हो सकती है. और ये ज़्यादातर होती है आपके कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जिनको बहुत टाइम लगता है बाथरूम में, जिनको बहुत टाइम लगता है बिना सिगरेट पिए, बीड़ी पिए नहीं आती, उनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती जाती, जिनको थायराइड है उनकी कॉन्स्टिपेशन होती जाती, तो उस वजह से आपको हो जाती है पाइल्स, राइट. और प्रेगनेंसी में भी पाइल्स हो सकती है, प्रेगनेंसी में, उम्र के साथ, कॉन्स्टिपेशन में, इवन डायरिया में, बहुत आई बार जा रहे हैं डायरिया आ गया आपका हीमोरॉइड्स. और साथ में हीमोरॉइड्स होते हैं लिवर की बीमारी में, पोर्टल हाइपरटेंशन में, सारी ऊपर से नीचे तक सारी खून की नसें सूज जाती हैं, पाइल्स हो जाता है. पाइल्स बहुत कॉमन है मेल्स फीमेल्स दोनों में, और ज़्यादातर पाइल्स हो सकती है 50 की उम्र के आसपास. तो अगर आपकी उम्र मिडिल एज है, 50 होने वाली है, तो समझ जाओ यही है दस्तक, है कि नहीं, ऐसी बोलते हैं. द मोस्ट कॉमन सिम्टम, क्योंकि सिम्टम नहीं आएगा पाइल्स का, पाइल्स होगा आपको पता नहीं चलेगा, आपके नाक के नीचे पाइल्स हो जाएगा, आपको खबर तक नहीं होगी, आपको सिर्फ होगा एक बार दो बार खून आना लैटरिन में आया खून, स्टूल लैटरिन. अगर आपकी लैटरिन में खून आना का मतलब जो मोशन आ रही है, मोशन के ऊपर खून लग के आया, समझ लेना इट माइट बी पाइल्स. मोशन कवर्ड विथ स्टूल कैन बी पाइल्स, राइट. टॉयलेट पेपर में थोड़ा बहुत अगर खून आ रहा है या वॉश उसमें आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कमोड में आ रहा है, तो पाइल्स हो सकता है. तो खून आना तो सीधा की सीधे जाके चेकअप कराना, सिंपल एज अ पिंपल. खून आना इज नॉट गुड, लगातार आना इज नॉट गुड, राइट. मेन प्रॉब्लम ही पाइल्स का ही है, क्योंकि सूजी हुई नसों से सखत सखत मोशन जाके रगड़ रगड़ के जाता है. कोई चीज़ चमड़ी में भी रगड़ रगड़ के रोज जाएगी तो वहाँ भी छील देगी, वो तो गरीब बेचारा म्यूकस मेम्ब्रेन है कि नहीं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी खराब है, वो भी खराब हो जाएगा, तो पाइल्स में ब्लीडिंग हो सकती है, राइट. तो अगर आपको ब्लीडिंग है, जाके डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर चेकअप करेगा, और ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो सीरियस हो जाएगा. ज़्यादातर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती तो सीरियस नहीं होती, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी मैनी अदर थिंग्स. ब्लीडिंग का मतलब सिर्फ पाइल्स नहीं होता, ब्लीडिंग का मतलब इवन डर खतरनाक चीज़ें हो सकती है. पाइल्स इज नॉट सो खतरनाक, पाइल्स से जान जाती नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग हो सकती है. लेकिन कैंसर से होती है ब्लीडिंग, एनल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, उससे भी ब्लीडिंग होती है, उससे जान भी जाती है भैया, इसलिए ब्लीडिंग की जाँच करानी ज़रूरी है, राइट. और पाइल्स का बेसिक ट्रीटमेंट है कि वार्म वाटर में बैठिए, वार्म वाटर बाथ, जिसको सिट्स बाथ कहते हैं, सिट्स बाथ, कुछ एनेस्थेटिक क्रीम लगाइए, मोशन सॉफ्टनर्स लीजिए, मोशन सॉफ्ट आएंगे, वार्म वाटर में बैठेंगे, सूजन कम हो जाएगी, एंड यू कैन लिव विद द पाइल, यू कैन नर्स द पाइल, उसको पाल सकते हो आप, लिटरली सूजी हुई नसें हैं, बॉडी बिल्डर्स पालते ही हैं उनको, है ना, यहाँ पे वहाँ पे हर जगह पैरों में, तो आप भी वहाँ पे पाल सकते हो. लेकिन अगर आप चाहो तो ग्रेड वन ग्रेड टू तक आप उसको पाल सकते हो. पालने का मतलब है कि अवॉइड ऑपरेशन, समझदार को इशारा काफ़ी है, राइट, मेकिंग इट एंटरटेनिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यू नो, डर जाते हैं. डरना नहीं है, डरने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है. समझाएंगे तो नॉलेज बढ़ेगी, है कि नहीं. सो पाइल्स को पाल सकते हैं, मतलब ग्रेड वन ग्रेड टू के साथ उसके साथ रह सकते हैं, उनको सूजन को कम कर सकते हैं बाकायदा. कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू बंद करना है, प्रेगनेंसी की डिलीवरी हो जानी देने है, प्रेगनेंसी बंद नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी की लिवर ठीक करना है, लिवर को बीमार नहीं करना है, दारू पीना बंद करना होगा, फाइब्रो स्कैन कराना होगा कि लिवर कितना खराब हुआ, क्यों खराब हुआ, क्या करना है उसके साथ, वो सब समझना पड़ेगा, राइट. और डायग्नोसिस करना है, एनोस्कोपी नाम की चीज़ होती है. एनोस्कोपी मतलब नीचे से लैटरिन का रास्ता, एनस खोल के देखते हैं नीचे अंदर क्या है. जी हाँ, एनोस्कोपी खोल के देखते हैं उसमें क्या है, उसे पता चलता है अंदर पाइल्स है या अंदर कुछ और है, कोई कैंसर है, कोई गांठ है, क्या है. सो मेडिसिन मैंने जैसे बताया, तीन चार प्रकार की मेडिसिन हैं. स्टूल सॉफ्टनर्स हैं,
स्टूल सॉफ्टनर्स आप नेचुरल भी ले सकते हो, पपाया केला ज़्यादा ले लो, पानी इसबगोल आप ले सकते हो, सॉफ्टोवैक पाउडर, डलकोलक्स, ऐसी चीज़ें कई सारी आती हैं स्टूल सॉफ्टनर, डजन मैटर कौन सा ले रहे हो, अल्टीमेट एम है स्टूल सॉफ्ट होने चाहिए। स्टूल सॉफ्ट आएंगे तो उसको रगड़ के नहीं जाएंगे, सिट्स बात में बैठेंगे तो वो सूजन कम होंगी, सूजन कम होंगी। सिट्स बात मतलब गर्म 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 नहीं, कुनकुने पानी में, थोड़े से वार्म वाटर में बाल्टी में टब लेके नेकेड बैठ जाइए उसमें 15 मिनट के लिए, दिन में कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी ज़्यादा दर्द उतनी ज़्यादा बार रेगुलरली बैठिए। जब सूजन खत्म होगी, जब दर्द कम हो गया तो फिर छोड़ दीजिए, फिर दर्द हुआ फिर बैठिए, सिंपल ऐसी है। अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, मतलब पाइल्स कुछ चीज़ लैट्रिन के रास्ते से बाहर आ रही है, टाइम्स अप, आपकी घड़ी का काटा समाप्त हो चुका है, अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, आपको प्रोसीजर कराना ही पड़ेगा। प्रोसीजर सर्जरीज में ज़्यादा बड़ी पाइल्स हो जाए तो उसमें इंजेक्शन भी लगता है और उसमें रबर बैंड भी लगता है, रबर बैंड भी लगता है। जी हाँ, पाइल्स एक खून की नस है, जो खून की नस मान लीजिए ऐसी ऐसी मान लो खून की नस ऐसी अटक गई तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे खींच के उसमें रबर बैंड लगा देते हैं, ऐसा रबर बैंड समझ लो, ऐसे खींच के रबर बैंड लगा दिया तो वो जो खून की नस है उसमें खून ही नहीं जाएगा, खून ही नहीं जाएगा तो पाइल्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो रबर बैंड बिल्कुल काम करती है, राइट। पाइल्स का लाइगेशन करते हैं, बैंडिंग बोलते हैं इसको, बैंडिंग बोलते हैं उसको, स्ट्रिप ऑफ करके पूरी पूरी नस निकाल जा सकती है, उसमें इंजेक्शन लगाया जा सकता है, स्क्लेरोथेरेपी, स्क्लेरोजिंग एजेंट, राइट। सो ये सारी ट्रीटमेंट सर्जन करते हैं, जनरल सर्जन एनोस्कोपी करके डिसाइड करते हैं कि ग्रेड कितना है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4, उसके हिसाब से होता है ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो सबको बेसिक समाज में आनी चाहिए, जो आदमी 30 40 50 साल के बीच में है, 30 40 50 साल, 10 20 साल वाले लोगों को सोच ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 20 साल में नहीं होता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट, रिमेंबर दैट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होगी, राइट। सो अगर कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, और पाइल्स की सर्जरी के बारे में बात करते हैं, पाइल्स की सर्जरी इंपॉर्टेंट है जो समझना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, ऑलराइट।